और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं गाजा विध्वंस की 25 बड़ी खबरें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह खमेनी का बड़ा बयान, कहा अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। गाजा के अस्पतालों का बुरा हाल है, सबसे बड़े अस्पताल में हालात बिगड़ चुके हैं, मृतकों और मरीजों से भरा अस्पताल। खान यूनिस में इसराइल के हमले में एक ही परिवार के 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई घायलों को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीर। गाजा के खान यूनिस में 1000 से ज्यादा शव मलबे में दबे, बचाव दल शवों को निकालने की कोशिश में जुटे। लेबनान बॉर्डर पर 4 घुसपैठिए ढेर, इजरायली सेना ने 4 को मार गिराया, सीमा में घुसने की कर रहे थे कोशिश। हमास के हेडक्वार्टर पर इजरायल का हमला, एयर स्ट्राइक में हमास का कमांडर मारा गया, बिल्डिंग पूरी तरह तबाह। गाजा में इजरायल एयर स्ट्राइक की ताजा तस्वीरें, बमबारी के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। आईडीएफ के हमले में हमास का शूरा काउंसिल प्रमुख ओसामा माजिनी मारा गया, इसराइल पर हमले का मुख्य सूत्रधार था ओसामा। 11वें दिन गाजा पर इसराइल का बड़ा हवाई हमला, पिछले 24 घंटे में 254 लोगों की मौत हुई, 562 लोग घायल, अब तक हमलों में 2837 लोगों की मौत। अल कुद्स ने सराया से इसराइल पर दागी मिसाइल, इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में कई सैन्य चौकियां तबाह। इसराइल के गश डैन में रॉकेट से हमला, हमास ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, रिहायशी इलाकों पर भी गिरे रॉकेट। सेंट्रल तेल अवीव में आयरन डोम ने हमास के रॉकेट्स को नष्ट किया, शहर में बजे सायरन। हमास का टॉप लीडर इस्सा अल जाबरी गिरफ्तार, आईडीएफ ने हेब्रोन से 30 लोगों के साथ गिरफ्तार किया। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजरायली सेना, आईडीएफ जवानों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। केरेम शालोम के पास हमास और इजरायली सेना में झड़प, हमास के कई लड़ाके मारे गए, घुसपैठ के दौरान आमने सामने की हुई जंग। गाजा मिस्र बॉर्डर पर इजरायल का हमला, राफा क्रॉसिंग पर मिसाइल से हमला, मिस्र से आ रही मदद को रोकने की कोशिश। अल कसाम के प्रवक्ता अबू ओबादिया का दावा, हमारे कब्जे में है 200 बंधक, इजरायली हमले में अब तक मारे गए 22 बंधक। इसराइल ने हेब्रोन के हादसा इन करीम अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार किया, हमास का समर्थन करने का आरोप है। मिस्र से गाजा के लिए मदद की खेप राफा क्रॉसिंग पहुंची, इसराइल की अनुमति का इंतजार। जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, मोबाइल टॉर्च जलाकर इसराइल का विरोध किया गया। कमांडर जनरल माइकल कुलेरा इसराइल पहुंचे, इसराइली सेना के साथ बैठक करेंगे, बंधकों की रिहाई के लिए बनेगी रणनीति। जंग के बीच कल इसराइल जाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात, इसराइल गाजा बॉर्डर का भी ले सकते हैं जायजा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान, कहा इसराइल पर अमेरिका का दबाव नहीं। इसराइल दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट, कहा फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा हमास। चीन के 2 दिनों के दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन, हमास इजराइल जंग के बीच पुतिन का दौरा बेहद अहम।